तो चाची लार के यहाँ हुए सुबह सुबह, इनके गाय का भैंसों था। तो दोस्तों मुझे मिला है ठीटा, बचपन में ऐसे ही ले जाते थे, आ ले 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 बकरी बकरी करके। तो दोस्तों दिन का खाना दाल भात खाते हैं इसे, और अभी की जो खुशबू है इतनी अच्छी हो रखी है ना, दो हैं, एक इस साइड में है और एक इस साइड। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश नेगी स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अभी बज रहे हैं 9:30 और आज का मौसम भाई सूरज भी नहीं दिख रहा, और 9 दिन सूरज चमकता था, पूरा बादल लगा है सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भाई, पूरा तरफ बादल। कल शाम से मौसम ख़राब लग रहा है और सुबह इतनी ठंड हुई थी क्या बताएं। अभी मौसम हो रखा है एकदम बिस्तर में सोने का, अभी भी अभी उठे हैं, अभी फिर से बिस्तर में जाओ, ठंड है ना ज़्यादा। अभी जलाते हैं आग वाग, जलाते हैं देखते हैं क्या होता है, उससे पहले खाते हैं नाश्ता अपना। तो चाची ला रखे आज पुए सुबह सुबह, इनके गाय का भैंसों था, तो ये रहे हमारे पुए, तो खाते हैं पुए प्रसाद के रूप में। तो दोस्तों मेरी मैगी तैयार है, खाते हैं इसे थोड़ी देर में। भाई सुबह सुबह का नाश्ता मैगी, साथ में पुआ एक जो चाची लाई थी, अभी खाते हैं इसे। तो दोस्तों खाना तो खा चुके हैं और अभी हल्की धूप आने का एहसास हो रहा है, क्योंकि हल्का सा बादल फट रहा है बीच में से, क्या पता धूप आ जाए आज, क्योंकि आज और कल 26 तारीख को बारिश बता रखी है, पर मौसम हल्का फुल्का थोड़ा सा साफ हो रहा है, क्या पता साफ हो जाए आज भी। सुबह से तो बहुत ठंड थी, अभी थोड़ा हल्की धूप आई तो थोड़ा राहत मिलेगी। तो दोस्तों अभी मैं हूँ पौर वाले घर में और यहाँ पर धूप आ चुकी है मस्त वाली, धूप को देख के बहुत त्यूर जैसा लग रहा है, मतलब मैं तीखी जैसी लग रही है, चमक रहा है बहुत ज़्यादा, और क्योंकि अभी और तरफ से बादल ही बादल है, बस बीच से धूप की किरण निकल रही है तो वो बहुत तेज़ लग रही है। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ भोनली पास सामने वाले गांव में, वहाँ से कुछ सामान लाना है तो ले आते हैं, वहाँ से चलते हैं वहाँ मैं गुड्डू। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपने सौंदर गधेरे पर, भाई पूरा देख सकते हो जो रास्ता था वो भी थोड़ा बहुत चालू है, वरना बंद हो चुका है। यहाँ पर धारा था जो अभी बंद है, बंद किया, टैंकी बना रखी है तो पानी वैसे आता है नल खोल के, धारा तो इधर ही कहीं था बीच में, ऊपर है एक धारा नहर टाइप का बना रखा है। और ये रहा शनिदेव का मंदिर, मतलब शनिवार को यहाँ पापा और लोग राजू चाचा आते हैं, मतलब शनिवार के दिन ही खुला रहता है, क्योंकि पीपल का पेड़ तो तेल चढ़ाने आते ही हैं लोग। और मेरे साथ अभी गुड्डू चल रहा है, तो अब चढ़ते हैं चढ़ाई थोड़ा सा ही, फिर उनके घर पहुंच जाएंगे तो सामान ले लेंगे और आ जाएंगे घर। तो दोस्तों मुझे मिला है ठीटा, ये का पेड़ सौडो, पहाड़ी में सौडो बोलते हैं और इसे ठिट बोलते हैं पहाड़ी में, भाई इसके अंदर से निकलते हैं शौत, बोले तो बादाम इंग्लिश में, बोले तो पहाड़ी ऑलमोड। ये रहा भाई, इसे हम पहले बचपन में बकरी बोलते थे, मतलब मैं इसमें एक धागा बांध देते थे रस्सी और इसको खींचते थे, मतलब मैं ऐसे ही बच्चों की तरह खेल लगने की चीज़ बचपन में ऐसे ही ले जाते थे, ले 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 बकरी बकरी करके, और फिर बाद में इसको आग में जलाने का भी फ़ायदा है, क्योंकि आग बहुत तेज़ जलती है, इसमें लिसा रहता है ना सफ़ेद सफ़ेद जो है, तो इससे आग बहुत जल्दी जलती है और कोयले भी अच्छे बनते हैं इसके। तो दोस्तों हमारा गाँव यहाँ से शुरू होता है उगलिया, ये रहा पहला घर, फिर दूसरा गधेरे के बगल पर ही रास्ता है और फिर है घर, भाई सारा देख सकते हो, ये रहा हमारा घर भाई, और है नीचे और ऊपर जाएंगे तो पूरा गांव दिख जाएगा, आगे का भी और पीछे का भी, वल्ढिक वल्ढिक दोनों दिख जाएंगे, यहाँ से तो सामने लेवल पर है तो सिर्फ जो पहले के घर हैं वही दिख रहे हैं, बाकी के घर ऊपर से दिखेंगे और ऊपर गांव से, तो वहाँ तो जाएंगे नहीं हम, यहीं पर जा रहे हैं तो इतना ही दिख पाएंगे। तो दोस्तों सामान तो ले लिया है, ले आए मैं और गुड्डू सामान अपना, अब चलते हैं घर को, ठीक है। तो दोस्तों दिन का खाना दाल भात खाते हैं इसे। तो दोस्तों खाना तो खा चुके हैं और बारिश आने की संभावना ज़्यादा लग रही है, क्योंकि मौसम फिर से वैसे ही ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों आखिर में हल्की फुल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है, ये तीसरी बार हल्की फुल्की बारिश हो रही है इस महीने की, देखते हैं बाद में क्या होता है, ज़्यादा तेज़ बारिश आती है या नहीं। तो दोस्तों हल्की हल्की बारिश के साथ धूप भी निकली है अच्छी, और बारिश तो ज़्यादा हो नहीं रही, बस खाली हल्के फुल्के हमारे खौ गीले हो रखे हैं और वैसे हल्की फुल्की बूंदाबांदी चली रही है।
और अभी की जो खुशबू है इतनी अच्छी हो रखी है ना, क्योंकि धूप भी है, बारिश भी हो रही है, तो जो मिट्टी की खुशबू आती है अभी वो बहुत ही अच्छी आ रही है। तो दोस्तों ऐसे मौसम में चाय का आनंद। और अभी बज रहे हैं 3, तो नीचे देख सकते हो वो बारिश है, सफ़ेद सफ़ेद, और दिन धुंध रहती थी, आज देख सकते हो वो बारिश। और ये सामने भी बारिश ही है जो अभी हमारे वहाँ नहीं हो रही है। नीचे साइड आवाज़ ऐसी आ रही है ना बारिश की, सटसट पड़ा है, पूरा सफ़ेद हो रखा है बारिश से, क्या पता यहाँ भी हो जाए बारिश। तो दोस्तों धूप और बारिश दोनों एक साथ मिला के बना इंद्रधनुष, ये देख सकते हो यहाँ से, यहाँ पर इस कधेरे में धूप और बारिश दोनों साथ ही हो रही है। क्यों नाच रही है बे? और धूप भी ऐसी आ रही है मस्त वाली, और बारिश भी, दो हैं, एक इस साइड में है और एक इस साइड। और दिनों ने वहाँ धुआं लगा रखा है, और धूप देख सकते हो तुम ऐसी है, थोड़ा हल्के फुल्के बादल है ही चारों तरफ। और ये खेल रहे हैं यहाँ पे लूडो। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 4:30, मौसम अंधेरा टाइप का हो रखा है, अभी काला काला एकदम। तब तक ताल रहे हैं सब लोग आग, एक एक गेम लूडो का भी हो चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो करते हैं फ्री एंड, मिलते हैं कल के वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। टाटा बाय बाय।